विश्व महिला दिवस पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। आज पीएम मोदी ने विश्व महिला दिवस पर बधाई देते हुए इस बात का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए आज सुधा मूर्ति जी को मनोनीत किया है। सुधा मूर्ति जी राज्यसभा में सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान अतुलनीय और प्रेरणादायक रहा है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जो हमारे देश की नीति को आकार देने में महिलाओं की ताकत और क्षमता का उदाहरण है। मैं उनके सफल संसदीय कार्यकाल की मंगल कामना करता हूँ। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के को फाउंडर की नारायण मूर्ति की पत्नी है। सुधा मूर्ति को कन्नड़ और अंग्रेजी साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वो लेखिका के अलावा एक टीचर और इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके पहले उन्हें सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य के लिए 2006 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर उन्हें 2023 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुधा मूर्ति की एक बेटी और एक बेटा है। उनके दामाद ब्रिटेन के पीएम हैं और बेटा रोहन मूर्ति अमेरिका बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म सोरोको के फाउंडर हैं। 4 साल पहले भास्कर नाम के निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सुधा मूर्ति ने बताया था कि उन्होंने कर्नाटक के BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर किया है। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। उन्हें तब कर्नाटक के तत्कालीन CM से गोल्ड मेडल मिला था। सुधा ने बताया था कि 1974 में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट के दौरान वो अपने डिपार्टमेंट में इकलौती लड़की थी, वहाँ के लेडीज़ हॉस्टल में रहती थी।